निकल लिए कहीं लतिया ने ए ज्यादा हल्ला नहीं करो कती हल्ला नहीं करो बाद में की बात पता है हाय तो हम बहुत खुश छी है हां कती चले के खुश छी खुशी मन तो करे खूब के नाचो खूब के गाओ खुशी के मारे कथी के खुशी बगल से खूब के नाचवा दा अरे खुशी कथी के खुशी है हां किया की इंश्योरेंस वाला पैसा हाँ। मिलते 5 लाख रुपया तय के खुशी कन्ना मिलते 5 लाख से कोबे ना अरे आ के बाबू के नाम से भरा छै से ना मिलतै ते मरते तब ना मिलतै जो ना मिल जते अरे मरते ने बाबू आहा के अपने मने लेकिन हम मार देलिए मार देलिए हां भैया बाबू रे बाबू 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 गदा के साइड पर के लिए से नहीं गया उठे भी उठे चीज आई थी गगरा को मैं बाबू बाप के लोग जो आते कौन है छाए हैं हाँ हाँ भकना भिलान जगह मुंह पथी ले तो घर में से गदा चला मुझे ना चाहती के ना चाहती से आदमी अरे ये हाथ चले पैसा के लोटरी के टिकट हाँ ते दुआरे टिकट कटा देले बुढ़वा के हाँ वो इंश्योरेंस वाला पैसा 5 लाख रुपया हमरा मिल जाते आ वो पैसा से तो घर दुआर बनी बे निक जिका गैस चूल्हा ले बे टीवी फ्रिज ले बे एसी ले बे सब कुछ ले बे पता है आके तेन मार के किया कोई डाले बे से नहीं गई से हां तो कमाई कुछ हां तो कमाई बता कहियो कुछ होत है ना हां नहीं जाके हां ऐसा कोनो तो हमर कहियो कोनो पूरा नहीं करे वाला है ताई दुआरे सोच रही कि बुढ़वा का टप्पा ये देबे आ बुढ़वा के नाम के जो पैसा है के से पैसा हमरा मिल जात अब इंश्योरेंस वाली मैडम के फोन कर दे छी ई खबर हुनको दे दे छी त न हमरा पैसा मिलता है इंश्योरेंस वाली मैडम को तो मुंह नहीं खोले के से पहले कह दे नहीं बोल भैया अगर बजली तो बाप के साथ सब बेटो के टपकावे में कोनो देर नहीं लगे हेलो हाँ हेलो इंश्योरेंस वाली मैडम जी प्रणाम 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 कहलो हन कि हम चुनापुर से बाज रहल छी हाँ बोलिए चुनालाल जी के पुतो अच्छा अच्छा चुनालाल जी के आप पुतो हुए हाँ बोलिए क्या बात कहलो कि इंश्योरेंस हमर बाबूजी भरे छलखिन हाँ हाँ हुनकर डेथ भ गेलै मर गेलखिन डेथ हो गया हाँ अरे ऐसे कैसे डेथ हो सकते उनसे तो मैं कल मिली थी हाँ, कुछ भी के बीमारी दे के पेट में मुंह तक का खून बकरल के गर्दन में ठा गेले वह के कारण मर गेले कुछ भी का बीमारी हुआ था पर कल तो हम उनको कितना अच्छा देखे थे और हम अचानक भी किए थे अचानक बड़ बीमारी कोनो कह के आवे है तो तोरे कहलो कि बाबूजी के नाम से जो पैसा भर छलिए हां वो 5 लाख रुपया मिलते ना बाबूजी मर जीते तो हां वो तो 5 लाख रुपया लेके आओ हां हम तो दिया अरे तो ऐसे थोड़े मिलेगा पैसा उसको जो है सारा जांच पड़ताल होंगे कि वो कैसे मरे हैं पूरा डॉक्टर का जो है शॉर्टी पीटा जितना अच्छा ठीक है आप कहां जे भी चेक करे के कर लो जी, जी लेकिन पैसा साथ में लो कहिया हां मैं आ रही हूं ठीक है जल्दी रखो आओ वहां अरे हम तो 5 लाख रुपया लक मैडम जी आवे छथि अब 5 लाख रुपया लक छहर महर करबे आ पुरवा के लटिंगा बिदर फुलवरिया गले पुरिया के पास में रहते होते दुनु परानी बैठ कर खिस्सा बतिए ते अपन घर के बतिए ते खिस्सा हमरा जो के पास में जाकर अपना दुनु परानी शहर में आए रुक 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 मन तो कहे फिर नाच लो नाच लो बढ़िया जी का कौन बा कौन बा कौन बा खुशी मना बोली अब बैठ जा भाई से देख अरे हमर संगा भले कत मलवा हम तो नंग के नच होई ना कौन है कोई है क्या इंश्योरेंस वाली मैडम जी जी आप ही फोन किए थे ना वो हम ही फोन किए जी अरे भागल के पुतो हम ही छी जे भागल समय से पहले हमरा सबके छोड़ को चल गल की ऐसे कैसे हो सकते हैं कल तो मैं चुनालाल जी से इतना अच्छा से मिले थे तो बात किए थे पर आज अचानक इनका मौत कैसे हो सकता है कहले ना पेट में भले कुछ भी मुंह दकेले खून हां गर्दन में ठा गेले हां तो आप लोग डॉक्टर के पास नहीं ले गए हैं लोग आ चले डॉक्टर जी
बहुत गलत हुआ। 5 लाख रुपया? हाँ पैसा तो मिलेंगे पर आपको जो है मैडम तो? अरे मैं भी पैसा नहीं ना, इतना आसान थोड़े है कि मेरे पास थोड़े पैसा रहता है जो मैं आपके ला के दे दूंगी। वो क्या है कि इनका जो जितना डॉक्टरी जितना जो चेकअप करवाए हैं वो सब जितने कागज पत्र है इनका वो सब हमें दीजिएगा और वो सब जो हम ऑफिस में जमा करेंगे। उसके बाद जो है जांच पड़ताल होगा, सारा फॉर्म जो है जमा होगा, इसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, उसके बाद जो है आपको पैसा मिलेगा और आपको जो है मेरे साथ ऑफिस चलना पड़ेगा। हाँ जी पैसा देवे ना ऑफिस में जब तो हाँ वो सब जो है काम क्लियर हो जाएगा, फॉर्म मुरम हो जाएगा तो हम जा लेते हैं यार। छीता हाँ तो चलो ना तो जी चलो ऑफिस पर भी जी चलो रखो बाबूजी के खैर ठीक है चलो हमरा 5 लाख दे देबे ना। हाँ हाँ चलो ना तो ठीक जाओ मैडम 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 रुक जाओ मैडम रुक जाओ कतौ ना जाय के कोन कोनो ऑफिस दफ्तर ना जाय के मैं गई जल्दी मर नहीं सके छी बुझलो कि नहीं हमरा कोनो बड़ बीमारी नहीं धेने छ। क्या हो रहा है चूनालाल जी? देखिए आपके यहाँ से जो है हमको फोन गया था कि आपका जो है देहांत हो गया है। अपने से दखल लेने मरण परोसा कि हाँ अरे मरे पड़े रहे थे तो ये कौन है? ये क्या उनके भूत है? कहे नहीं छे मैडम जाखो राखे साया मार सके ना कोई बाल ना बाका कर सके जो जगवैरी हो। जी 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 जकरा ऊपर महादेव के स्वयं आशीर्वाद रहते ओकरा मारे वाला के रहो गहरा नींद में हमर पुतौ चादर ओढ़ के अल हमरा नींदे में एकदम ठोट दाबे लगल तेना को गने ठोट दाबे लगल अब बुझियो वही काल में हम नहीं एकाएक अचानक हम ढंग धरता हूँ तो सोचियो जान से ही हमारा मार दे क्या हम ढंग धाका अपन एकाएक पैर रहा लो। अरे कितनी सारा गप अगर सुन लिए हम तुमको इतना भी दिमाग नहीं है कि तुम लोभित इतनी लोभित कैसे हो सकती है औरत होके? छी मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारे ऐसी चरित्रहीन पे। अरे पिता समान ससुर का जो है तुम अपने आप हाथ से इनका गला दबोच रही थी और वो भी छी कैसी इंसान हो? अरे औरत नहीं औरत के नाम पे तुम कलंक हो। अरे इनको तो छोड़ो अरे आप तो उनके बेटा है इनके हाथ में हम चले गए थे दूसर जगह तो की बताऊं मैडम ये पुतौ नहीं कुलच नहीं है कैसे कैसे इंसान होते हैं इस दुनिया में। अरे लोभ इतने इंसान लोभित के कारण इतने नीचे गिर जाएंगे चंद पैसा के खातिर ये अपनो आदमी तक के नहीं चिल्ला गए पिता समान ससुर के गला घोट के मारे ला चाहल के पैसा के खातिर ये चाहल के एकरा मार देबे ताकि जे रुपया हम भरे चलो इंश्योरेंस में वो रुपया सारा हमरा हो जाए। तो इसका मैटर ये था ताकि आपको मार के और ये दोनों पति पत्नी जो है आपका पैसा हड़पना चाहते थे। हाँ हाँ मैडम पर मैं जो हूँ इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं क्योंकि अब जो हम मैं इनको थाना हवाले करूंगी और मैं पुलिस को फोन करती हूँ। गला घोट के मारे ला चाहिए वो पैसा के कारण। अरे पैसा जब मिलती थे तो क्या होते हम लोग के सही बात बोल। अरे वो पैसा तो यहाँ तो होते है बाबूजी गलती बदल केकरा ला येते यार आज लो हम केकरा ला जान जी लगेला रात दिन खटलो केकरा ला ये बेटा पुतो ला माफ कर दे तुम आ के बाद इनका ये बेटा पुतो जब हमर ने भा सका या तो ककरो ने भा सका या बाबूजी केकरो ने भा सका चल जे मत तो फिर जेल में जिंदगी भर सर करे जे। अरे आप लोग काम ही ऐसा किए तो जेल नहीं जाइएगा तो क्या? गलती भगले केकरो ने बात कहबे केकरो ने कहबे बाबूजी माफ कर दे तो ना कह तो ना के केकरो ला कहते दूर जाओ
अरे जनैते नहिरा में अहाँ के बाबू बाबू या ना जनैते सासुरों में ससुर बापे दाखिल हो जे ओकरा एना नहीं करे के चाहिए ऐ तरह का बर्तबला वार्तालाप नहीं करे के चाहिए जै तरह के यहाँ अखन के लो हाँ बस आखिरी गलती समझ के माफ कर दो सब के बाद हम कर ठीक है चुनालाल जी तो आप क्या कहना चाहते हैं आप जो कहिएगा वही होगा मैडम जी अब जब इन सब गलती के प्रस्ताव पछतावा आब रहल छै एकरा सबके गलती के तो एकरा सबके माफ कर देल जाए के बाद में किया तो एक गलती तो भगवानो माफ कर दे छै चलिए आप जो कहें तो मैं तो इंसाने छी मैडम जी लेकिन आप लोग को भी कह रहे हैं ऐसा गलती जो है दोबारा नहीं कीजिएगा नहीं तो हम बख्शेंगे नहीं अच्छा ठीक चुनेला जी मैं चलती हूँ आप अपना ख्याल रखिएगा जाइए मैडम ना जाने कैसे कैसे इंसान है इस दुनिया में जाओ मैडम जाओ हाय तारीख के बाद हमरा कोई टोकिया चलिया नहीं सब अपना अपना दुनिया में रह हमरा नहीं देबे खाए तो कोई चिंता नहीं हम कतौ भीखे मांग के हम खा ले लेकिन यहाँ गला घोंट के मारे वाला पुतौ सब नहीं चाहिए हमरा देख ले लिए सब्सक्राइबर बाबू अपने सब देख ले लिए केहन केहन गांव समाज में पुतौ सब हो छे चंद पैसा के खातिर अपनो लोग के तक नहीं चिन्हे छे आए कहियो तो एना करे के चाहिए हमरा पुतौ के आइयो एते जे अराज लिए केकरा ला अराज लिए वे बेटा पुतौ ला ना इंश्योरेंसे जे खोलेने छिए के करे ते पैसा हम मरबे त लो जेबे कि वह बेटा पुतौ के हेतु आ ते खातिर देखियो वो अपन ससुरों के नहीं चिल्ला के गला घोंट के ससुर के मारे ला चाल के लेकिन जे गलती हमार पुतौ के लग वो गलती अहाँ सब कखनो नहीं करब अरे कम से कम अपन आदमी के तो चिन्हल करियो पैसा के लोभ में एते नहीं अनहरा जाओ कि अपनो आदमी के बिसर जाओ एहन गलती कखनो नहीं करब जेहन गलती हमार पुतौ के लग